नेक्स्ट विल कम है, फ्यूचर सिंपल है, टेंस यही है। फ्यूचर का मतलब भविष्य, और भविष्य की पहचान किस तरह से करोगे? इस वर्ण से। हिंदी में ये गकार एक वर्ण होता है ना, वैसे कार होता है ना, वो लगाकर हमें बोलना चाहिए किसी भी वर्ण के साथ। हम वैसे बोल देते हैं गए गमला, गए घड़ी, इस तरह से, लेकिन वो होता नहीं है उसके साथ हमेशा। हिंदी में अगर आपको बोलना ही होता है ना, अगर शुद्ध उच्चारण करो तो उसके साथ कार लगाओ, जैसे खैकार, कैकार, खैकार, गैकार, गैकार, इस तरह से, ठीक है ना। और ये सिंपल यानी सामान्य। और अब बात आती है इसके स्ट्रक्चर की। उस स्ट्रक्चर पर जाने से पहले दो नाम इसमें आ जाते हैं, कौन सा? सेल और विल। पहले इनको जान लेते हैं कि क्या होता है। देखिए वाक्य तीन तरह के थे, टोटल कितने तरह से बोले जाते हैं इंग्लिश में? पांच तरह से। कितने प्रकार से बोले जाते हैं? पांच से। लेकिन पांच कौन सा होता है? एक तीन तो ये होते ही हैं, कौन से? सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक। अब जब आप सकारात्मक बोलते हो और सब्जेक्ट को हटाकर सीधा बोलेंगे, सब्जेक्ट को अगर आप हटा देंगे, जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, या मैं कहूंगा यू गो आउट, आप चले जाओ, या आप कई बार कहते हो यू गेट आउट, ठीक है। तो अब अगर आप यू को नहीं बोलोगे तो क्या बच गया? गेट आउट। ये वाक्य कौन सा होता है? इंपेरेटिव। समझ में आई मेरी बात? क्योंकि आप क्या दे रहे हैं? आदेश। समझ में आ गया? एक आप कहते हो विश यू हैप्पी बर्थडे, बोलते हो कि नहीं करते? क्या करते हो? विश करते हो ना आप। तो इस तरह के सेंटेंस उस ओपिटेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं। अगर आप एक इस तरह से भी बोलते होंगे, कौन सा तरीका कि जिस तरह से मान लीजिए आप किसी इंसान को भला बुरा कहते हैं, या फिर आई कई, और उसके बाद हमें क्या होता है? अफसोस होता है, राइट। या फिर ऐसे न समझो तो मान लीजिए आपके कई बार कोई कांटा ही चुभ जाता है और आप कहते हो ओ हो, यानी ये जो आपका शब्द निकला हो, ये होता है एक्सक्लेमेटरी, यानी जहां पर आश्चर्य शो आप कर रही हूं, ठीक है ना। लेकिन खैर उन वाक्यों पर जाने से पहले हमें एक्सक्लेमेटरी बहुत रेयर चांस होता है जब हम ट्रांसलेट करेंगे लेसन को, और ट्रांसलेट के माध्यम से प्रश्नों को सोल्व करेंगे, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बहुत रेयर आते हैं। यानी हो सकता है पूरे बुक में ही आपको दो से तीन ही शब्द वाक्य लिखने पड़े, अन्यथा लिखने भी नहीं पड़ेंगे। और दूसरी चीज, इंपेरेटिव आपको किसी को आदेश देने की आवश्यकता ही नहीं है बुक में। तो मेरा कहने का मतलब है ये पर्सनल में तीन होते हैं, लेकिन उन तीनों में से अगर कोई सकारात्मक वाक्य है बेटा, क्या है? सकारात्मक, तो आप सेल और विल को कभी भी किसी के साथ ही यूज कर लेना, कभी भी गलत नहीं हो सकता। मेरी बात समझ में आ गई मैं क्या कह रहा हूं? ये फिर कभी मत पूछना कि सर सेल किसके साथ लगेगा, विल किसके साथ लगेगा, कभी भी मत पूछना। चाहे आई के साथ सेल यूज कर लेना, चाहे वी के साथ सेल यूज कर लेना, चाहे यू के साथ सेल यूज कर लेना, चाहे आपकी मर्जी है किसी के साथ, दोनों में से कोई यूज कर लेना, नेवर रॉन्ग, ठीक है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर वो नकारात्मक है या प्रश्नवाचक है, तो आपको क्या है, इन दोनों को अपने अपने रूल के अनुसार ही आप इनको यूज करोगे। और रूल क्या कहता है कि आई और वी के साथ है सेल आएगा, क्या आएगा? आई और वी के साथ है, और बाकी सभी के साथ है। अब तो आप पता चल गया होगा। और सेल और विल का मतलब ही क्या होता है? ग ग गी। मेरी बात समझ में आ गई? लड़की के लिए गी, और ग किसके लिए होगा? जैसे जाए गा, लड़का हो गया गा गे गी, गे बहुत से सभी के लिए, हम जाएंगे, वी विल गो। क्लियर हो गई मेरी बात? और एक बात तो मैंने आपको बताई थी कि सभी में कौन सी वर्ब यूज होती है सिंपल में, एक सकारात्मक को छोड़कर पास्ट सिंपल के, कौन सी होती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनी वर्ब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट
पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ दिस टेंस, तो क्या है सकारात्मक वाक्य हमारा, ठीक है ना? सकारात्मक वाक्य फर्स्ट ऑफ ऑल कम से एज ऑलवेज सब्जेक्ट, हमेशा की तरह ना। आफ्टर दैट क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। क्या हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, डू वी हैव एनी हेल्पिंग वर्ब, है कि नहीं है, यस और नो? कौन सी, सेल है और है? सेल और है? अगर आप बोलोगे तो सीखोगे। आफ्टर दैट व्हाट विल वी यूज, क्या यूज करेंगे बेटा हमें, फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनी वर्ब है। देखो पहले एक बोल लो और बाद में वी बोल लो, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनी वर्ब, ठीक है? देन ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या आता है, समय। मैं इनकी पहचान भी बताऊंगा, हाउ टू आइडेंटिफाई, ठीक है ना? आफ्टर दैट नेक्स्ट सेंटेंस इज नेगेटिव, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नकारात्मक। क्या बोलते हैं इसको, नकारात्मक वाक्य। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सब्जेक्ट, देन वी राइट सेल और विल। आफ्टर दैट व्हाट विल वी यूज, नॉट। देन वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनी, आफ्टर दैट वी यूज ऑब्जेक्ट। वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज क्वेश्चन मार्क, जिसे हम बोलते हैं प्रश्नवाचक, बोलते हैं वी स्पीक, यही है ना, इंग्लिश तो यही होती है ना, वी स्पीक। क्या बोलते हैं हमें, क्वेश्चन। आगे देखिए, व्हाट विल वी यूज, सेल और विल, व्हाट वी हैव हेल्पिंग वर्ब एज ए सेल विल, ठीक है? देन वी यूज सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनी, देन वी यूज, देन वी यूज। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? ओके, एक और भी तो होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक में, नकारात्मक में भी तो होता है ना बेटा, नोट भी तो लगा सकते हो। कई बार नहीं होता है, क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे, बोलते होगे नहीं बोलते ऐसे, क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे, तो कैसे लिखोगे, देखिए, सेल विल वी राइट, ठीक है? आफ्टर दैट वी राइट सब्जेक्ट, देन वी राइट नोट, देन वी राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनी वर्ब, आफ्टर दैट वी राइट ऑब्जेक्ट, एंड देन वी राइट। अगर हमें डब्ल्यू एच वर्ड वाला लिखना होता तो क्या करते, पता होगा, इन से पहले क्या डाल देते यहां पर, डब्ल्यू एच वर्ड या कोई हाउ वगैरह वगैरह जो भी हो। क्लियर मेरी बात, समझ में आ गया? आप देखिए थोड़ा सा आगे, अब मैं बात बता देना चाहता हूं सर, अगर हमें पेपर में अगर आ गया तो कैसे पहचानेंगे इसको। देखिए वैसे तो मैं आपको दोबारा कराऊंगा, लेकिन कब कराऊंगा, जैसे कि हम हमेशा की तरह करते हैं जब पेपर हमारे नजदीक आ जाते हैं, क्योंकि अगर हम अब करेंगे तो तब तक हम भूल चुके होंगे। ओके, भूल चुके होंगे, कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर है, परफेक्ट, चुका आ गया, परफेक्ट हो गया, गया गया, फ्यूचर हो गया। अरे टेंशन ही नहीं लेने की जरूरत है, पहचान तो जाओ ही जाओगे। क्या होगी इंग्लिश, हम का मतलब है वी, वी हो गया ना, और क्या लगेगा, सेल या विल, विल चुके होंगे, सेल लगाओ विल लगाओ, कौन सी गलत है सकारात्मक में, वी विल लगा लो, चाहे चाहे सेल लगा लो। सेल के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ एनी वर्ब कौन सी होगी, बोलने की थर्ड फॉर्म फॉर ए गॉटन, फॉरगेट तो फर्स्ट फॉर्म होती है बेटा, थर्ड फॉर्म क्या होगी, फॉरगॉटन। चलिए क्या क्या हो सकता है, एक ये देखो एन ई एक्स टी, नेक्स्ट
नेक्स्ट के साथ कोई भी समय दे दे तो कौन सा टेंस होगा? वो हमेशा फ्यूचर है, सिंपल टेंस। अगर दे दे आपको फॉलो विंग के साथ समय, क्या दे दे? समय, तो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर है। अगर दे दे आपको टुमारो, क्या दे दे आपको? टुमारो, तो भी कौन सा टेंस होगा? कौन सा होगा? लेकिन एक बात और बता दूं मैं आपको, इतनी बातें हो तो आप कौन सा टेंस यूज कर सकते हो? प्रेजेंट सिंपल भी आप यूज कर सकते हो, यू कैन यूज ओ प्रेजेंट सिंपल टेंस। व्हाई? क्यों? क्योंकि प्रेजेंट सिंपल भी ये बात कहता है कि निश्चित अगर समय है तो हम प्रेजेंट सिंपल को यूज कर सकते हैं। जैसे देखना, कभी आप न्यूज देखते होंगे, जैसे एक बार ट्रंप आया था या कोई भी आ जाए, मोदी जैसे मान लीजिए सिरसा में आ रहा है और कल आ रहा है, क्या है? कल आ रहा है, तो लिखेंगे मोदी अराइव्स, ठीक है? कब है? एट, एट के साथ टुमारो लगेगा, एट 10 o'clock, एट मंडे, एट संडे, समझ में आया ना मेरी बात है? तो देखो एक निश्चित समय दे दिया, लेकिन वो क्या आ गया? नहीं है अभी तक, आएगा क्योंकि निश्चित समय दे दिया। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन आपको तो पता चल रहा है। नेक्स्ट फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब आने वाला, संडे मंडे, फॉलोइंग मंडे, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट जो भी हो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, कुछ भी आ सकता है ना। और टुमारो का मतलब कल है, ठीक है? अब देखिए बेटा क्या लगेगा यहां पर। अब क्या है, सब्जेक्ट जैसे आई सेल कम ऑन संडे, ठीक है बेटा? आई सेल कम ऑन संडे, ये तो मैं बोलने को कह रहा हूं भी, मैं क्या हूं? मैं संडे को आऊंगा, लेकिन खैर इस तरह से अगर हम लिखना चाहते, आई सेल कम टुमारो, हम ये लिख लेते हैं जैसे हमारा था, ठीक है? दूसरे चीज अगर मैं लिखना चाहूं, वी सेल नोट कम, वी सेल नोट कम We shall not come next Monday. हम next क्या है, हमें Monday को, अगले Monday को आएंगे नहीं, ठीक है? इसके साथ क्या लगा दोगे? गए लगा दो, क्योंकि verb के साथ ही तो गए लगेगी ना। यहाँ on preposition लगा सकते हो if you wanna। अगर तीसरा लिखें हम तो क्या लिख दें? अब की बार will वाला use करेंगे। Will they, क्योंकि मुझे नोट आया तो यहां इसके साथ मैंने सेल लगाना पड़ा, ठीक है ना? मजबूरी थी मेरी। Will they not come, will they not come on following, on following संडे? हिंदी क्या होगी बेटा? हिंदी बनाने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, आराम से देख सकते हो, इसको छोड़ दीजिए, इसको बोल लीजिए पहले। वे सोमवार को, कौन से सोमवार को? आने वाले, आने वाले रविवार को आएंगे नहीं, आएंगे नहीं, और इसका लगा दो क्या, या प्रश्नवाचक है तो क्या बोल दोगे? क्या। लेकिन अब आपको समझ में आ गया तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि क्या वे अगले सोमवार को या अगले रविवार को या अगले बृहस्पतिवार को आएंगे नहीं, क्या? ठीक है ना? या आप ऐसा ही बोल सकते हो, क्या वे अगले सोमवार को नहीं आएंगे? और अगर आपको ये नोट छुपाना है तो क्या लिख दोगे? क्या वे अगले सोमवार को या अगले रविवार को आएंगे? समझ में आ गई मेरी बात? इसी तरह से अगर मैं डब्ल्यू एच लिख दूं तो क्या, जैसे मैंने कहा
व्हाट विल दे डू देयर वर्क, हिंदी क्या होगी, क्या वे अपना, व्हाट विल दे डू देयर वर्क की इंग्लिश क्या होगी, क्या वे अपना कार्य करेंगे। और अगर इसी तरह से और वाक्य लिखता हूं मैं, व्हाट विल वी यूज, मैंने ये अभी अभी बोला था कि हम क्या यूज करेंगे, व्हाट विल वी, हम क्या यूज करेंगे। देखो हम यूज करेंगे, यूज इंग्लिश में बोल दिया, खैर हम प्रयोग करेंगे, क्या मतलब समझ में आ गया कि हम क्या, कौन सी चीजें, व्हाट विल वी यूज, या व्हाट विल हैपन की इंग्लिश क्या होगी, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, समझ में आई मेरी बात, व्हाट विल हैपन क्या होगा। चलिए बताइए मेरे को, अब कोई भी टेंस अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आपने प्रेजेंट सिंपल भी तो कर लिया, मैं पढ़ता हूं कि इंग्लिश क्या होती है, बोलिए फटाफट। ओके, मैं नहीं पढ़ता हूं, पहली बात तो मेरी बात सुनते जाना, कभी फटाफट ये सोच रहे हो इसके बारे में पूछे, पहले बेटा सुनना कोई जरूरी नहीं है फटाफट बताने की, हमें इतनी भी जल्दी नहीं है, हमारे पास काफी समय भी है, इनफ टाइम, राइट, एम आई राइट, ठीक है। तो बताइए मेरे, जैसे मेरे पास एक पुस्तक है, लेंचो एक किसान था, लेंचो किसान नहीं था, लेंचो खेत में जा रहा था, लेंचो वाज गोइंग टू फील्ड, लेंचो कार नहीं चला रहा था, वाज नॉट ड्राइविंग ए, मैं तो पढ़ रही थी, मैं तो, या मैं पढ़ रही थी, आई वाज, जब मेरे पापा घर आए तब मैं टीवी देख रही थी, वहन माय फादर, वहन माय फादर केम, आई वाज वाचिंग टीवी, मैं क्या कर रही थी, टीवी देख रही थी। प्लीज आप मुझे पेन दीजिए, प्लीज गिव मी योर पेन, आप अपना हमें पेन दीजिए। पंखा चलता है, मैं हंसता नहीं हूं, आई डू नॉट लाफ, क्या तुम चाय पसंद करते हो, क्या वह चाय पसंद करता है, डज ही लाइक टी, मैंने मेरा होमवर्क पूरा कर लिया है, आई हैव डन माई वर्क, या आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया, बोलिए बेटा फटाफट, डू यू होगा क्या, कंप्लीट करना, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, मैं स्कूल में जाता हूं, आई गो टू, मैं स्कूल में जाता था, अब मैं तीनों टेंस को साथ में लेके आऊंगा, मैं स्कूल जाता था, बताइए बेटा, करत करत अभिया जड़मती और सुजान, हिंदी भी यही भाषा क्या कहती है, सबसे पहले सीखो उसके बाद अनुकरण करो, तीसरी चीज अभ्यास करो। अगर हमारी मनोविज्ञान कहती है
भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, उसके बाद अनुकरण और तीसरा है अभ्यास। सभी चीजें यही कहती हैं। जिज्ञासा मतलब आप में सीखने की ललक होनी आवश्यकता है। मैं नहीं सिखा पाऊंगा, आई विल नॉट टीच यू या आई विल नॉट लर्न यू, ठीक है ना। मैं ना तो पढ़ा पाऊंगा और ना मैं आपको सिखा पाऊंगा। क्यों नहीं? बिकॉज इफ यू डोंट हैव क्या जिज्ञासा, ठीक है ना। तो अगर हम ये चीज देखिए, आपको अगर कोई भी भाषा सीखनी है ना, तो उसके अंदर आपको रुचि बनानी होगी, ठीक है ना। जिज्ञासा ही रुचि होती है, ठीक है, इंटरेस्ट जिसे हम कहते हैं। लेकिन वो तब होगा जिज्ञासा के बाद अनुकरण, यानी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करोगे और उसके बाद घर पर या कहीं पर भी अभ्यास करोगे। बताइए, मैं स्कूल जाता हूँ कि इंग्लिश क्या होगी, फटाफट बोलिए, क्या होगी? आई गो टू, मैं स्कूल जाता था, आई जाता था, आई वेंट टू स्कूल एवरी डे, हर रोज स्कूल जाता था। मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल, ठीक है। मैं स्कूल नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू, और मैं स्कूल नहीं जाता था, आई डिड नॉट गो टू। मैं स्कूल नहीं जाता था कि इंग्लिश दोबारा बोलना, और बताइए, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आई विल, और शॉर्टकट में बोल सकते हो, आई वॉन्ट गो टू। क्या मैं स्कूल जाता था, डू आई गो टू, क्या स्कूल में जाता था, क्या होगी, डू आई गो टू। मैं स्कूल जाता था या जाता हूं होगा डू आई गो टू स्कूल, और जाता था होगा तो डिड आई गो टू स्कूल। और क्या मैं स्कूल जाऊंगा या मैं स्कूल जाऊंगा क्या, विल आई गो टू स्कूल। इतनी बात क्लियर हो गई हमारी? अगर हो गई तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? लेकिन आपको लिखना है तो एक बार ये स्ट्रक्चर आपका उतार लीजिए, क्योंकि आपको ट्रांसलेशन में ये स्ट्रक्चर ही काम आने वाला है, ठीक है। बाकी तो रूल तो हम बाद में लिखवाएंगे। एक बार इस स्ट्रक्चर को आप इतना उतार लीजिए, बाकी मत उतारिएगा, क्योंकि इनको उतारने का कोई औचित्य नहीं बनता, वाक्य बनते रहते हैं। आगे कौन सा टेंस आएगा? फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। इसका मतलब चौथी फॉर्म तो लगे ही लगेगी आईएनजी वाली। रह के लिए हम आईएनजी मान लेते हैं ना एक बार, और जब आईएनजी मान लेंगे तो रहा रही रहे ऑटोमेटिक बन जाएगा। और अगर आना की अंग्रेजी कम होती है और वह आ रहा है तो कम के साथ आईएनजी हमें अटैच कर देते हैं। फ्यूचर का मतलब गएगा गएगी, यानी रह के साथ क्या जुड़ेगा, रहेगा रहेगी रहेंगे, ये होता है ना बेटा। लेकिन पहचान इंग्लिश में क्या होती है, हिंदी में नहीं होती। इंग्लिश में सुनिए, इंग्लिश ही काम आएगी। और पहचान होती है इसकी एट दिस टाइम के साथ आपको फ्यूचर समय मिलेगा। यानी फ्यूचर समय का मतलब समझ गए ना आप? नहीं समझे? भविष्य का क्या समय, जैसे टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो मैं क्या कर रहा होऊंगा, पढ़ा रहा होऊंगा कि नहीं होऊंगा कल, आई। लेकिन वाक्य बनाने से पहले
हम ध्यान देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सब्जेक्ट पर, उसके बाद सेल विल तो हमने पढ़ ही लिया बेटा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आफ्टर दैट हम क्या जोड़ देते हैं इसमें एक नया वर्ड है, बी, क्योंकि वो तो अगर सिंपल ही बन जाता ना, बी नहीं जोड़ते तो। उसके बाद क्या हो गई, फोर्थ फॉर्म ऑफ एनी वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। इफ वी वाना राइट इन नेगेटिव सेंटेंस देन वी फर्स्ट राइट फर्स्ट ऑफ ऑल है सब्जेक्ट, देन वी राइट सेल और विल, सेल और विल, देन वी राइट सेल विल के बाद ही वहां नोट लिखा था ना, डू डज के बाद भी तो नोट ही लिखा था ना, डिड के बाद भी तो नोट ही लिखा था ना, हैज हैव के बाद ही नोट ही लिखा था ना, वाज वर के बाद भी नोट ही लिखा था ना, तो हमेशा क्या लिखते आ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट। उसके बाद हम क्या लिखते हैं हमेशा, यहाँ जो चीज अटैच होती है वो, क्या हमने नोट के बाद बीन नहीं लिखा था परफेक्ट टेंस में, जो कंटिन्यू था उसमें लिखा था कि नहीं लिखा था? अगर कोई चीज जुड़ती नहीं है तो हम क्या लिख देते हैं, मैन वर्ब। लेकिन हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फोर्थ फॉर्म ऑफ एनी वर्ब, आफ्टर दैट व्हाट विल वी राइट, ऑब्जेक्ट। ओके, वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज वी राइट हेल्पिंग वर्ब इन क्वेश्चन मार्क, तो सेल विल फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा कि नहीं आएगा? क्या हमने वाजवर पहले नहीं लिखा था? क्या हमने डूडज पहले नहीं लिखा था? क्या इजमार हमने पहले नहीं लिखा था? क्या हमने सेल विल नहीं लिखा था? सब में यही लिखा था ना, कि तो यहां आप क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट हमेशा की तरह आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं, वी मूव ऑन आवर। एक बेटा आप कहते हो चाय वाई, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चाय वाई? और ऐसे नाम याद है कोई, चाय वाई लगे आगे, रोटी राटी पानी पुणी, क्या हो सकता है इसकी इंग्लिश? नहीं पता ना, सीखना चाहोगे इसकी स्पेलिंग क्या होती है? क्या होती है बेटा? टी। अब सभी के साथ ऐसे बोल दो एंड ऑल, वर्ड मीनिंग जो मतलब, अब पानी पुणी की अंग्रेजी क्या होगी, वाटर एंड ऑल, चाय की क्या होगी, टी एंड और क्या होगी, फुलके। क्या कहने का अभिप्राय, जो चीज लिखो उसके साथ प्लस में क्या कर दो, यानी जो आपका वर्ड मीनिंग है वो प्लस क्या लिखोगे, एंड विद इट ऑल्सो ऑल। क्लियर मेरी बात है? चलो आपको ये एक नई चीज तो पता चल गई होगी, चलो कुछ और बता देंगे धीरे धीरे, ऐसे माइंड में आता है, हर रोज एक नई चीज बताऊंगा आपसे, प्रोमिस करता हूँ, जो आप शायद ही जानते होंगे, जैसे आज की। और ये लिख लेना अपनी कॉपी में, भूलना जाओ कभी, क्योंकि ये अक्सर यूज करते हैं हम। सेल विल फर्स्ट एंड देन क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। आफ्टर दैट वी राइट इफ यू वाना नोट, अगर आप चाहते हो लिखना इसको, इफ यू वाना राइट देन यू कैन राइट हियर, लेकिन अगर हम नहीं लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे, बी। आफ्टर दैट फोर्थ फॉर्म ऑफ एनी वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। बेटा सीधा सा हिसाब है, अगर नोट लिखना चाहते हो तो यहां लिख लो, अगर नहीं चाहते तो ये चीज ही आएगी ना, फिर बच गई है, ये नहीं होती तो क्या आ जाती, ये जैसे आई थी सेल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आई थी ना ये, क्योंकि ये दोनों क्या थे, ये नया बंदा नहीं था, यहाँ नोट तो आया था एक बार लेकिन ये नहीं था, तो ये अब आ गया, अटैच हो गया, नोट के बाद ये अटैच होगा और फोर्थ फॉर्म के आगे अटैच होगा। क्लियर मेरी बात? अब देखिए मैं कैसे कह रहा हूं, अब समय कहां अटैच होगा, इनके आगे, कहां अटैच होगा, यहां। क्या ये नाम एट दिस टाइम इन सभी के आगे पेपर में मिलेगा आपको, एट दिस टाइम, हो सकता है लिख दे टुमारो, ठीक है ना बेटा, इस तरह से एट दिस टाइम टुमारो, तो आपको क्या करना है, सेल विल के साथ आपको क्या करना है, बी लगाकर फोर्थ फॉर्म ऑफ एनी वर्ब आपको राइट कर देनी है। अब देखिए सेंटेंस को, जैसे मैं कल पढ़ा रहा हूं इंग्लिश लिखने के लिए, मैं हिंदी लिख देता हूं, मैं कल इस समय पढ़ा
रहा होऊंगा। क्लियर मेरी बात? अब बेटा मैं देखो, मैंने कहा था हिंदी में समय सबसे पहले आता है, सब्जेक्ट के बाद कहने का अभिप्राय यही है, और इंग्लिश में सबसे लास्ट में आता है। उल्टी चलती है हिंदी से। अब उल्टा ही शुरू करेंगे, इसको क्या लिखोगे? आई। उल्टा शुरू, इसको देखना ही नहीं है। गागेगी, क्या होगा? सेल और वी। आई के साथ तो कुछ भी लिख सकते हैं ना, सकारात्मक वाक्य है। आई सेल लिख दिया, चलो। आई सेल के साथ रहना की अंग्रेजी होती है बी। बी का मतलब होना होता है ना, बी लगा दिया क्योंकि लगाना जरूरी था। चौथी फॉर्म पढ़ाना की अंग्रेजी बोलना, टीच होती है, नहीं पढ़ाना की बोलो ओनली टीच। अब आई एन जी जोड़ोगे कि नहीं, क्योंकि आई एन जी किसकी लगेगी? टीच है ना, रा की आई एन जी लगा दूं, क्या बन गया? इस समय की अंग्रेजी बोलना बेटा, एट दिस कब्र है, तड़के है, टुमारो, वेरी गुड। क्लियर मेरी बात है? समझ में आ गया? ये भविष्य का समय हो गया कि नहीं हो गया? टुमारो अगर अकेला आता तो कौन सा टेंस लिखते? यहां फ्यूचर है, सिंपल लिखते ना, फिर ये भाई साहब भी चला जाता और ये भी चला जाता, और क्या आ जाता? ओनली टीच। क्या आ जाता? ओनली टीच। अगर टुमारो न होता, एट दिस टाइम आ जाता, तो क्या लिखते? आई एम टीचिंग, आई एम, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस से शो करता है अकेला एट दिस टाइम। और पास्ट टेंस किस में आता? अगर दैट आ जाता तो क्या होता है? यहां पास्ट कंटिन्यू, एट यानी फिर हो जाता आई वाज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था एट दिस टाइम, इस समय। कब? कल की बात है तो यस्टरडे हो जाता है ना, कल के लिए। ये आगे देखिए, अगर आप चाहते हो बोलना कि मैं नहीं पढ़ा रहा होऊंगा तो क्या लिखोगे? आई सेल नोट बी टीचिंग यू एट दिस टाइम, मैं, और क्या लिखना है आपको आगे? टुमारो, ठीक है। क्या मैं पढ़ा रहा होऊंगा कि अंग्रेजी क्या होगी? सेल आई बी टीचिंग यू एट दिस टाइम टुमारो, क्या मैं इस समय कल आपको पढ़ा रहा होऊंगा? ठीक है, मैं इस समय कल दिल्ली जा रहा होऊंगा, इंग्लिश क्या होगी? I shall be going to, मैं कल हिसार जा रहा हूंगा। I shall be, हम कल पार्क में जा रहे होंगे। अरे बेटा जा रहे होंगे आ गया तो we shall be तो फटाफट ही बोल दो ना, shall be तो बोल रही है, we shall be यानी will be, shall be कोई बोल दो सकारात्मक में, तो नोट तो आई नहीं, तो एक रट लो, shall be बोल लो चाहे will be बोलो, we shall be going to पार्क एट दिस टाइम टुमारो, ठीक है, विद माई मॉम इफ यू वाना राइट, अगर आप लिखना चाहते हो, ठीक है ना, हो गया कंप्लीट? डू यू गेट अंडरस्टैंड व्हाट आई टॉट यू? ओके, या टीच यू मान लीजिए चाहे।